भैया सावन, ये गर्मी गर्मी के सीजन की वजह से कितना ही बारिश हो जाए, ये अगस्त का महीना आ गया है। अगस्त का महीना आ गया तब भी अगस्त नहीं हो रहा है, आग भड़का हुआ है अस्त नहीं हो रहा है, खोपड़ी गर्म हो गया है, का करे का नहीं करे कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत गर्मी है, रुमाल नहीं है ना आपके पास? ना, कमाल है, होता तो आपका पसीना पोंछ देता, लेकिन छोड़िए जान। अच्छा ये भैया ही बताइए, गर्मी तो हो ही रहा है, एक चीज का और गर्मी, फिल्म सड़क 2 का ट्रेलर आया देखे? पीने जा रहे हैं? डिसलाइक। हाँ, सड़क 2 का ट्रेलर है ही डिसलाइक। डिसलाइक है, डिसलाइक, समझे? अरे बाप, मतलब आपको नहीं पसंद है? नहीं पसंद है महेश भट्ट के चमचे, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हाँ, 28 को आएगी। 28 तारीख हमका बहुत 27 है, कहे कि 27 को हमारी शादी हुई थी, 28 तारीख हमका बहुत 27 है रे। पूछ के गलती कर दी। सड़क पिक्चर जो है ना, 28 को आए चाहे 27 को आए, ये पिक्चर किसी भी हॉल में और किसी भी हाल में हम रिलीज नहीं होने देंगे। बायकॉट। तो भैया आप भूल गए, इसीलिए तो किसी भी हाल में रिलीज नहीं हो रही है, इसको OTT पे रिलीज करेंगे। रिलीज हो गए, ऐसा गंदा फिल्म। ये जो भटके लोग हैं ना, चाहे वो महेश भट्ट हो चाहे वो तन्मय भट्ट हो, ये OTT प्लेटफॉर्म पर ही डिजर्व करते हैं, वहीं लेते रहो चुम्मा चाटी, वहीं रहते करते रहो गंदा शंदा काम, गंदी शंदी कॉमेडी है, चाहे तन्मय भट्ट हो चाहे महेश भट्ट हो, ये सब भटका परिवार है, समझे? एक चीज बोलूं भैया, आप सही बोले गर्मी बहुत है, आप में भी गर्मी दिख रही है। भैया ये बताइए, इस फिल्म का स्टार कास्ट क्या है, कौन हीरो कौन हीरोइन, हमको पते नहीं है। MBA वो तो कोर्स होता है ना। तो ये भी भट्ट, महेश भट्ट की जो पिक्चर होती है ना, इसमें भी कोर्स ही होता है, और कौन कौन सा कोर्स होता है वो इमरान हाशमी मलिका सेरावत उनसे पूछ लो कौन सा कोर्स होता है, खुल के नहीं बोल पा रहा हूँ, हमारा परिवार देख रहा है इसलिए, उसके परिवार उसके फिल्म में कोर्स ही होता है। लेकिन MBA जो है इस बार स्टारकास्ट को भी MBA बना दिया है। मतलब समझा नहीं, फुल फॉर्म क्या हुआ इसका? मकरंद देशपांडे, विलेन, बाबा संजू बाबा, आलिया भट्ट, ए हाँ हाँ, और आदित्य। तो ये तो डबल MBA हो गया, डबल MBA, बहुत जानकारी रखते हो, फिर भी हमको MBA पसंद नहीं। कहे भाई, कहे ये स्टार कास्ट आपको पसंद नहीं है? अरे स्टार कास्ट नहीं भाई, MBA, महेश भट्ट एटीट्यूड, महेश भट्ट अभाइड करो, समझे? हमको MBA का नाम मत लेना, हमें समझ बता रहे हो, MBA और डबल MBA वाले हैं। भैया एक बात बोलूं, गर्मी बहुत है आपने भी। तुम क्या MBA समझते हो, मनोज बाजपेयी एक्टिंग अपने आप को समझ रहे हो क्या, या ममता बनर्जी अवतार समझ रहे हो अपने आप को, MBA समझ रहे हो फालतू में? देखो ऐसा है कि महेश भट्ट से हमारा बहुत दिल दुखा है, हमको बहुत सारी जानकारी मिली। किससे मिली जान बताते हो? किससे? ये जो सोनी जी हैं, सोनी उनकी बीबी, आलिया की अम्मा। हाँ 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 हाँ, हमने उनको थोड़ा पिलाया। हाँ, खुल के मत बोलो। हाँ, हमने उनको पिलाया। हाँ, और उन्हीं से सब उगलवाया, कहा कि पीने के बाद आदमी उल्टी करता है। तो उन्होंने कैसे सब बता दिया? अरे सोनी ही तो राजदान है भट्ट परिवार की। बाप रे बाप, दिमाग ऐसा है भैया। एक चीज तो हमारे खुला समझ में आ रहा है, भट्ट साहब का चालाकी कहीं नहीं चलने वाला। अरे सड़क 1 हो या सड़क 2 हो, अगर भट्ट के कदम है तो भैया रोड पे ही आओगे, रास्ते पे ही आओगे, और सबके सामने आओगे, तो लोग रोड से नहीं रोड से काम लेने वाले हैं इस वक्त, समझो भैया। अच्छा ये भैया एक बात बताइए, ये किससे कहां से सीखे हैं ये सब, कौन इनका गुरु था? अरे तब तो हमको प्रणाम करना पड़ेगा। कौन थे? राज खोसला जी, महान राज खोसला जी का ये ठरकी असिस्टेंट था, समझे? हाँ हाँ। तो हम राज खोसला साहब की फिल्म 2 रास्ते हाँ दोबारा देख लेंगे। हाँ। ये सरबती आंखें, हम राज खोसला साहब की फिल्म 2 रास्ते दोबारा देख लेंगे, लेकिन इस उनके इस ठरकी असिस्टेंट की फिल्म सड़क 2 बिल्कुल नहीं देखे। जो दिख रहा है ना, ये साले 2 नंबर के लोग जो है, है ये 2 ये दिखाता ही, ये जो OTT पे कहा आ रहा है, क्योंकि ये OTT ही करने वाले हैं, अब फिल्म में देखना कितना टट्टी किए होंगे। मैं वो तो अच्छा भैया एक चीज मैं भी बोलूं, इतना पंच आपका सुने, एक पंच हमारा भी सुनेंगे। बोलिए। हाँ हाँ हाँ,
ये फिल्म सड़क सचमुच नहीं चलेगी, सड़क नहीं चलेगी। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि सड़क कभी चलती नहीं है, सड़क पे लोग चलते हैं। एक पंच हम भी दे क्या? ये पंच दे हम तुमको, दे हम तुमको, काय का पंच मार दे रे? गर्मी बहुत है। देखिए भाई, ये कोई नेपोटिज्म नहीं है, इस आदमी की हम इज्जत करते हैं। बहुत बढ़िया पंच मारे हो। देखो सड़क तुम देखने नहीं जाना, ये सब हम लोगों ने बायकॉट करने का पूरा प्लान कर लिया है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम नेपोटिज्म के, हम ग्रुपिज्म के बहुत खिलाफ है। अब राजा वही बनेगा जो राजा बनने का हकदार होगा। ऋतिक रोशन से सीखे नहीं?